एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस और भी उलझता जा रहा है। एक्टर के पिता के सिंह के एफआईआर के बाद इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। लगातार इस केस पर नई कहानी निकलकर सामने आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत के केस पर अभिनेता से लेकर नेता तक अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी सुशांत केस को लेकर सक्रिय भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। सुशांत केस में वकील हायर करने से लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने तक उन्होंने इस केस पर पूरा जोर दिया है। उन्होंने एक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई जांच की भी मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में लगातार ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। उनका एक लेटेस्ट ट्वीट चर्चा में बना हुआ है। स्वामी ने सोशल मीडिया पर बड़ा बयान दिया है। ट्वीट कर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को एक साधारण मौत नहीं बल्कि मर्डर बता रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे 26 बड़ी वजह तक बता दी। इस वजहों में सुशांत के रूम में एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के मिलने से लेकर उनके गले के निशान तक शामिल है। सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार सुशांत के रूम में एंटी डिप्रेशन ड्रग्स जो मिले थे, हो सकता है उसे किसी ने वहां पर प्लांट किया। वहीं उनके गले में जो फंदे का निशान है वह बेल्ट जैसी किसी चीज का लग रहा है। इसके साथ ही मौत के दिन यानी 14 जून को सुशांत सुबह अपने घर पर वीडियो गेम खेल रहे थे। जो इंसान डिप्रेशन में होगा वह कभी वीडियो गेम नहीं खेल सकता। साथ ही उनके कमरे में कोई भी सुसाइड नोट ना मिलना भी सुब्रमण्यम स्वामी को खटक रहा है। अनुसार ये पूरी तरह से सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। इसके साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने कई और दावे भी किए हैं अपने ट्वीट में। हालांकि इसकी सच्चाई पर अभी पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता है। यह एक जांच का विषय है।